हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कांच के कुछ फैक्ट्स के बारे में। तो जानने के लिए वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखना। फैक्ट नंबर 10, क्या आपको पता है कि कांच के न्यू मूवी में सपेरा और हथौड़ा के अलावा एक और विलेन है, जो कि है डार्क स्टोन। फैक्ट नंबर 9, कल मैंने आप लोगों से पूछा था वाई जी का होम प्लेनेट कौन सा है, तो आप में से बहुत लोग आंसर नहीं दे पाए थे। तो मैं बता दूं, YG का होम प्लेनेट J1704B है और ये प्लेनेट अर्थ से 400 लाइट ईयर्स दूर है। फैक्ट नंबर 8, क्या आप जानते थे कि नागमणि इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज होता है और उससे नागमणि कांच को दुगनी पावर्स देते हैं। फैक्ट नंबर 7, हमें सीजन 5 के एक ही एपिसोड में कियारा को प्रैंक करते हुए दिखाया है। आखिर कियारा प्रैंक क्यों नहीं करती? क्योंकि अब वो बड़ी हो गई है और वो एक सुपर हीरो भी है। फैक्ट नंबर 6, क्यों चिकू और कियारा के पास मनी लौटाने के बाद भी मनी की थोड़ी सी पावर बची थी? चैन एंड लियो के पास तो नहीं था। मुझे लग रहा है मनी की शक्ति सिर्फ उनके पास ही रहती है जिन्हें मनी चुनती है। अब क्योंकि मनी तो चिकू और कियारा का ही होने वाली थी ना, इसलिए शायद। फैक्ट नंबर 5, एकांश में दिखाए गए तीनों मनी आपस में कनेक्टेड है। मानो कभी एक मनी पे खतरा आया तो दूसरे मनी ग्लो करने लगता है, और कभी एक मनी टूट गया तो बाकी के दो मनी से उसे फिर से जोड़ा भी जा सकता है। फैक्ट नंबर 4, अगर एकांश का नागमनी टूट जाता है तो एकांश नागमनी के फुल पावर्स को यूज नहीं कर पाएगा। हाँ, अगर वो चाहे तो थोड़े टाइम के लिए नागमनी के फुल पावर्स का इस्तेमाल कर पाएगा, लेकिन नागमनी ओवरलोड हो जाने के चांस बढ़ जाएगा और फिर डिस्ट्रॉय होने के भी खतरा है। फैक्ट नंबर 3, आखिर कांच के ड्रैगन मनी और तत्व मनी को लौटाने के बाद नागरक्षक उन्हें कहाँ रखा होगा? वो उन्हें वापस वही जगह पे तो नहीं रखेगा, क्योंकि अब वो मनी के लिए सेफ जगह नहीं है। तो इसलिए वो उन मनियों को नागलोक या फिर कहीं एक सीक्रेट जगह पे रखा होगा जहाँ पे कोई आसानी से नहीं पहुँच सकते। फैक्ट नंबर 2, अगर कांच के पास नागमनी नहीं है या फिर टूट गई है तो कांच अपनी हीलिंग पावर को यूज नहीं कर पाएगा। जी हाँ, नागमनी के पावर्स के बिना एकांश हीलिंग पावर्स को यूज नहीं कर पाएगा। फैक्ट नंबर 1, मिस्ट्री ऑफ थ्री जेंट्स मूवी में हमें यह पता चलता है कि कांस, चिकू और कियारा का ही इन तीनों मनी कुछ सालों के बाद होने वाली है। इसका मतलब शायद वो एकांश की आखिरी मूवी होने वाली है, क्योंकि मनी इनके पास रहेंगे तो कोई भी इनको हरा नहीं पाएगा। आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सिलेक्ट कर देना, ताकि ऐसे ही कांच से रिलेटेड वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना कर पाओ। और वीडियो को शेयर भी कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।